हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस हार्ट को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 क्लास पॉलिटिक्स साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। उसी का हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं या फिर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांस है, सिर्फ उसी प्रकार के प्रश्न को जो है लेके आए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी प्रश्न का फटाफट मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद उसको एक से दो बार देखिए, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। इससे पहले इस चैप्टर का पूरा थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया है, आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां से जो है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन को इस चैप्टर का पढ़ लेना है, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आंसर को करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट प्रश्न है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। आप सबको पता भी होगा 9/11 हमला उसको बोलते हैं। तो 9/11 हमला के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है ना। पहले के जमाने में अमेरिका में क्या होता था कि महीने को पहले लिखा जाता था और डेट को बाद में, जैसे अभी हम लोग क्या लिखते हैं 11 तारीख लिखेंगे, नौवा महीना लिखेंगे, 2022 लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, खास करके अमेरिका का अगर बात करें तो वहां पर पहले महीने को लिखा जाता था, फिर दिन को लिखा जाता था, ठीक है, फिर जो भी चल रहा था 2022 जो भी चल रहा था उसको लिखा जाता था। तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो आप सबको पता ही है 9/11 का मतलब क्या हो गया, पहले महीने को लिखा जाता था, तो इसका मतलब हो गया कि 9 ये जो है क्या होगा सितंबर, और 11 क्या होगा ये आपका डेट होगा, है ना। तो 11 सितंबर को जो है हमला किया गया था। तो फर्स्ट के राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 को, यानी कि 9/11 हमला, 11 आपका डेट हो गया, नौवा आपका महीना हो गया, सितंबर नौवा महीना है, नौवा महीना हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 9/11 हमला भी बोलते हैं। और ये अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, तो 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया था। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा है और आप सबको पता ही होगा इसका आंसर, बिल्कुल राइट सर आपको जाएंगे अमेरिका के। तो बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग को आंसर देना है यहां पर भी और एग्जाम में भी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपके 3, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी। आप सबको पता ही होगा, हमने आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इराक जो है वो कुवैत पर आक्रमण करके वहां पर कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उसको यूएनओ फिर अमेरिका को हुक्म दिया, यूएनओ है ना, फिर कहा कि जाओ इराक को पहले कहा कि नहीं तुम छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ा नहीं, तो फिर बाद में अमेरिका द्वारा जो है इराक को वहां पर भगा दिया गया, और इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोला जाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वह 1990 को। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न क्या था कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर, यानी कि इराक जो है कुवैत पर आक्रमण कब किया था, ये घटना कब हुई थी, है ना, इराक कुवैत पर आक्रमण कब किया था, इराक कुवैत पर कब्जा कब किया था, तो 1990 में किया था, है ना। और जब ये कब्जा किया था उसी समय अमेरिका इस पर हमला किया, और जब इस पर हमला किया और वहां से तो इराक भाग गया, इसीलिए इसी को कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध भी 1990, ये डेट आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, बिल्कुल फोर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 जनवरी 1991 को, ठीक है। 1990 में जस्ट इराक जो है कुवैत पर आक्रमण किया था, और उसके बाद फिर अमेरिका वगैरह को ऑर्डर दिया गया, फिर खाड़ी युद्ध में जो है फिर खाड़ी युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था, 1991 को, ध्यान रखिएगा 17 जनवरी 1991 को प्रथम खाड़ी युद्ध बोला जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध कब बोला जाता है, 17 जनवरी 1991 को। और एक डेट आपको याद रखना, इसी को हम लोग कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को जो है हम लोग कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, है ना। तो फोर्थ राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। आपको सभी प्रश्न याद हो जाने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। बताइए खाड़ी युद्ध के समय जो है उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था, सद्दाम हुसैन, जलाल तालाबानी, या फिर अहमद हसन अल वकर, या फिर अब्दुल रहमान आरिफ, बताइएगा फटाफट आप लोग कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। बिल्कुल 5 के राइट आंसर हो जाएंगे सद्दाम हुसैन, है ना। तो खाड़ी युद्ध के समय जो है कौन थे, सद्दाम हुसैन, उस समय राष्ट्रपति थे, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, कई बार हमने आपको ये भी करवाया है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये क्या है, बताइएगा। थार रेगिस्तान के विकास की नीति है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति है, या फिर पोखरण का परमाणु परीक्षण है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, पोखरण का परमाणु परीक्षण कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1998 में, ध्यान रखिएगा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये क्या है। तो आप सबको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था
कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई करने की सैन्य कार्रवाई की अनुमति है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है जब इराक यहाँ पर कब्जा कर लिया था कुवैत पर, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ऑर्डर दिया था सभी देशों को कि जाओ इस इराक को जो है कुवैत से हटाओ, क्योंकि ये बिना मतलब का कब्जा करके, अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इसमें अमेरिका तो सबसे ज्यादा भूमिका निभाया था, इसलिए चैप्टर को हम लोग पढ़ते भी हैं। 75% सैनिक जो है सिर्फ अमेरिका का था, कितना 75% है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई करने की जो अनुमति दी गई थी, इसी को हम लोग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, बताइएगा फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। खाड़ी युद्ध जो है कब समाप्त हुआ, 27 फरवरी 1991 को, 29 जनवरी 1992, 28 मार्च 1992, 25 अप्रैल 1992, फटाफट बोलिएगा। सेवन का बिल्कुल आंसर आपको जाएंगे 27 फरवरी 1991 को। ध्यान रखिएगा शुरू कब हुआ था, पूछा गया यहाँ पर पहले प्रश्न आपको कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो सद्दाम हुसैन थे। और खाड़ी युद्ध कब शुरू किया गया, तो 17 जनवरी 1991 को, 17 जनवरी 1991 को जो है प्रथम खाड़ी युद्ध शुरू हुआ। और जो 27 फरवरी यानी कि जस्ट कितना दिन हो गया, 17-27 यानी कि लगभग लगभग 1 महीना 10 दिन में ये युद्ध जो है समाप्त हो गया था, है ना। तो सेवन के राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए तो 27 फरवरी 1991 को जो है खाड़ी युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 8 है आपका, पेंटागन क्या है, बताइएगा पेंटागन जो है वो क्या है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, या फिर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, या फिर अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल राइट सर आपको जाएंगे, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है ना। तो पेंटागन जो है वो क्या है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, नीली जींस की जो संस्कृति है वो किस देश की संस्कृति है। तो नीली जींस यानी कि जो हम लोग जींस पहनते हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये जो नीली जींस की संस्कृति है ये कौन से देश से आया है, कौन सा देश का संस्कृति है, सोवियत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप सबको पता ही होगा 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए कहा भी जाता है कि सोवियत संघ जो है अमेरिका के साथ लड़ाई तो करता है, लेकिन फिर सोवियत संघ जो है वो किसका कल्चर को अपनाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, जिससे लड़ाई करता है उसी का। अब जैसे मान लो हम लोग चाइना से लड़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग किसका कल्चर, अगर वहां का अगर कोई कल्चर को अपना ले चाइना का, तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोवियत संघ जो है वो अमेरिका से लड़ाई तो कर रहा था, लेकिन फिर ये जो नीली जींस की जो संस्कृति है वो तो था अमेरिका का, लेकिन वो फिर कहां पर आ गया, सोवियत संघ में भी आ गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो 9 के राइट आंसर यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि नीली जींस की जो संस्कृति है वो किस देश की संस्कृति है, संयुक्त राज्य अमेरिका की यानी कि यूएसए की, है ना। तो 9 के राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। कहा जा रहा है कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि आप सबको पता ही होगा शीत युद्ध का जब समाप्ति हुआ 1991 में, उसी समय जो है सोवियत संघ खत्म हो गया, यूएसएसआर जो है उसी समय खत्म हो गया, और वो टूट करके खत्म होकर के टोटल 15 देश बन गया, है ना। तो उस समय जब विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उस समय किस तरह का स्थिति था, एक ध्रुव विश्व की शुरुआत हो गया था, या फिर अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हो गया था, शक्ति संतुलन का खतरा हो गया था, या फिर प्रकृति में सभी सही। तो बिल्कुल सभी यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जब एक दो पावर पहले था, एक था सोवियत संघ, एक था अमेरिका, तो जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो एक ध्रुव विश्व यानी कि अमेरिका का पावर मतलब कि पूरे तरीके से आ गया, है ना, क्योंकि भाई उसके टक्कर में कोई था नहीं, तो एक ध्रुव विश्व की शुरुआत भी हो गई, है ना। दूसरा, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि, बिल्कुल अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हो गया, इस चैप्टर में लोग पढ़े भी हैं कि कैसे, क्योंकि भाई उसके टक्कर में कोई है नहीं, तो उसका तो ऑटोमेटिक है कि उसका हर चीज में वृद्धि होगा, है ना। तो जैसे आप लोग देखा ना कि वहां पर यूएनओ ऑर्डर दिया कि जाओ इराक को जाके हटाओ कुवैत से, तो अमेरिका जो है 75% सैनिक भेज दिया। बताओ टोटल दुनिया में कितना देश है, लेकिन सिर्फ 75% सिर्फ अमेरिका से सैनिक गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अमेरिका का जो है वर्चस्व बढ़ गया बिना मतलब का, है ना, और शक्ति संतुलन का भी खतरा हो गया। अब क्योंकि एक ही के पास पूरा पावर है, तो शक्ति संतुलन का भी खतरा हो गया, वो जो चाहे वही होगा, है ना। तो राइट सर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या बात है। इसकी आप लोग ले सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है आपको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना। चलिए डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 11, सोवियत संघ के युवा नीलो जोस किसका प्रतीक मानते थे। बताइए सोवियत संघ के युवा नीलो जोस जो है वो किसका प्रतीक मानते थे, शक्ति का, धन का, या फिर अगला ऑप्शन है आजादी का, शिक्षा का। तो बिल्कुल 11 की जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इसके राइट सर आपको जाएंगे वो है आजादी का, है ना। तो सोवियत संघ के युवा नीलो जोस जो है वो किसका प्रतीक मानते थे, आजादी का प्रतीक मानते थे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 12, भारत परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। भारत जो है वो परमाणु प्रसार संधि क्या है, अप्रसार मतलब
यानी कि आप परमाणु बम या परमाणु जो है वो नहीं रख सकते है ना, मिसाइल आप नहीं रख सकते हैं। तो ये जो भारत परमाणु प्रसार संधि जो है उस पर हस्ताक्षर आखिर क्यों नहीं करता, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को पता ही है। अगर इस पर सिग्नेचर कर दिया जाए तो फिर यहाँ पर भारत के पास जो है परमाणु बम नहीं रहेगा, और भी बहुत सारी बात है, फाइन वगैरह भी भरना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है ना। तो भारत परमाणु प्रसार पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं करता क्योंकि भारत जो है बिल्कुल क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। वह इसे क्या मानता है? भेदभावपूर्ण मानता है। राइट सर, आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि भाई उस समय नियम यह था कि देखो परमाणु बम जो है अपने सुरक्षा के लिए हम लोग बनाए हैं, क्योंकि कोई युद्ध करे, बोला भी गया है कि पहले कोई युद्ध करेगा हम लोग पर परमाणु बम का प्रयोग करेगा तभी हम लोग करेंगे, पहले हम लोग कभी नहीं करेंगे, भारत ऐसा बोला भी है। लेकिन ये लोग भारत के पीछे पड़ा हुआ है तो हमेशा जो है परमाणु प्रसार संधि पर सिग्नेचर करने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम जो भी परमाणु है वो जमा कर दो, जो कि है नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि भाई शक्ति संतुलन का फिर खतरा हो जाएगा ना। अगर परमाणु बम नहीं रहेगा तो कोई भी देश, हम लोग का जो पड़ोसी देश है वो बहुत ताकतवर है, चाहे चाइना का बात करें, पाकिस्तान, उसके पास भी परमाणु बम है, तो वो लोग फिर हमला कर देगा। तो इसलिए हम लोगों को परमाणु बम रखना बहुत जरूरी है ना। तो भारत परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, यानी कि भारत का कहना है कि तुम रख सकते हो हम नहीं रख सकते हैं, ये कहां का न्याय है ना। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 13, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? 2016 के एनुअल एग्जाम में, 18 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा देश है जो कि नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली। 13 का बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे वो है फ्रांस, है ना। तो इसी ने जो है अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, यानी कि अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है नाटो का। नाटो एक संधि है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ये नाटो जो संधि है तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। तो फ्रांस जो है इसी बात का विरोध कर रहा था, है ना। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन 13 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, प्लीज जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप लोग पहले वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, अभी तुरंत जाके कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने किए हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आया तो, क्योंकि आपको बहुत मजे के साथ यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को शेयर नहीं किए एक बार शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर ज्वाइन होकर के पढ़ाई कर सके, है ना। प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिए। चलिए पूरी तैयारी आपके यहाँ पर कराई जाती है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई कोई चैप्टर आपका स्लो चल रहा है वो भी पूरी की जाएगी, बिल्कुल हम लोग उसी में लगे हुए हैं ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 14, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो यहाँ पर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पूरी दुनिया में अमेरिका का जो ताकत है, अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कब से बढ़ा, कब से माना जाता है? तो आप सबको पता ही है ना 1991 होगा, है ना। तो राइट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि जब सोवियत संघ खत्म हुआ था तो उसी के बाद से तो अमेरिका का दबदबा बढ़ा है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से मनाया जाता है? 1991 से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। 14 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया है ना। आप सबको फटाफट बताना है कि भारत को जो है कब से परमाणु शक्ति संपन्न, यानी कि पूरी दुनिया माना कि भारत के पास भी परमाणु है, परमाणु शक्ति है, पूरी दुनिया को ये बात माननी पड़ी, अच्छा कब माना ये पूछा जा रहा है ना। 15 का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे 2008 को, ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं 1998 में जो है परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में 1998 में, लेकिन इनको माना कब? 2008 में, यानी कि पहले वो लोग क्या मांगता था कि नहीं इसका परमाणु बम को हम नहीं मानेंगे, ये कोई परमाणु बम है ही नहीं, ये कोई परमाणु शक्ति देश नहीं है, तो पहले कोई नहीं माना, लेकिन फिर 2008 में जो है पूरी दुनिया को मानना पड़ा है ना। तो भारत को कब परमाणु शक्ति संपन्न, यानी कि पूरी दुनिया माना कि भारत के पास भी परमाणु शक्ति संपन्न है, वो भी सफल है, तो ये कब माना? ये माना 2008 को। परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 को, यानी कि 10 साल बाद पूरा दुनिया माना था, 10 साल बाद, कितना दुश्मनी है बताइए, बताइए आप, है ना। तो राइट सर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे क्वेश्चन 15 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, अमेरिका ने आशिक परमाणु परीक्षण बांध यानी कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पर कब हस्ताक्षर किया? तो बताइए अमेरिका ने जो है आशिक परमाणु परीक्षण सांध है ना, इस पर जो है सिग्नेचर कब किया था? 64 में, 74 में, 92 में, या फिर 2000 में? बिल्कुल 16 के यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएंगे 1964। तो राइट सर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 17, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो 17 का फटाफट आप लोग को आंसर देना है, क्या बात है, बिल्कुल यहाँ पर राइट सर आपको देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है जो कि अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में यानी कि डेवलपमेंट में खर्च करता है, मदद करता है? बिल्कुल वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ये जो है सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अभी तो वैसे चाइना भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन अमेरिका भी करता है और अभी भी कर रहा है ना। तो राइट सर यहाँ पर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है, यानी कि पूरे दुनिया में जो आज हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, तो बताइए जो इंटरनेट है वो कौन सा देश से आया है, किस देश ने दिया है? फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस?
एथेन का बिल्कुल आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ध्यान रखिएगा यूएसए है ना। तो विश्व को इंटरनेट की जो सुविधा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया है, इसी का देन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बताया जाता है, यानी कि भारत में जो परमाणु कार्यक्रम किया गया परमाणु कार्यक्रम किया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया, महाशक्ति की दौड़ में शामिल होना ये बताया गया इसका उद्देश्य, या फिर चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनाना ये बनाया गया, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, या फिर अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। तो बताइए भारत में जो परमाणु कार्यक्रम किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आप लोग अपने से आंसर दीजिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, क्योंकि भारत को कोई भी महाशक्ति में शामिल होने का बिल्कुल जरूरत नहीं था, वो चाहता भी नहीं था। चीन और पाकिस्तान पर कभी भी भारत दबाव नहीं बनाया है, जब भी चीन और पाकिस्तान हम लोग पर हमला किया है या फिर ये किया तभी हम लोग जवाब दिए, लेकिन कभी भी हम लोग पहले हमला नहीं किए हैं, ये भी देखिए आप, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, अमेरिका पर भी हम लोग दबाव बनाना नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी ऊर्जा भी, जो भी हम लोग को जरूरत है, आवश्यकता है ऊर्जा की, उसी को पूरा करना, यही जो है परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट सर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, क्या है, अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया था। तो बताइए अमेरिकी राज्यों का जो एक संगठन है जिसका नाम है OAS, ये जो है कौन से संधि से, किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया था, एंजू समझौता, रियो सांध, वेस्टफालिया को संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो हो जाएंगे रियो सांध, है ना, इसी के रूप में, इसी से जो है अस्तित्व में आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रियो सांध, रियो सांध ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, 21 के अनुअल एग्जाम में पूछा गया है और आप सबको कई बार ये हम पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल 21 के राज्य आएंगे 50 राज्य है ना। भारत की अगर बात करें तो भारत में अभी टोटल 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो 9 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य यानी कि 28 स्टेट है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग 29 लगा देते हैं, जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया गया, अभी जम्मू कश्मीर जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, तो पहले 7 था तो जम्मू कश्मीर आकर के 2 और बढ़ गया, 9 हो गया, तो 9 आपका केंद्र शासित प्रदेश है और 28 आपका राज्य है। और अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर टोटल 50 राज्य है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की, 2021 के अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा वर्ष था जब नाटो की स्थापना की गई थी, तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही आसान आंसर है ना, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, नाटो की स्थापना की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी, नाटो की, अगर यूएनओ की बात होती तो फिर अलग है, यूएनओ का जो स्थापना वो कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, यानी कि जस्ट 1945 में। अच्छा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर के 1945 के बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में ही यूएनओ है ना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नाटो की, नाटो का स्थापना कब किया गया था, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, इसके राइट आंसर आएंगे 1950 में, 1948 में मार्शल योजना की शुरुआत किया गया था, ध्यान रखिएगा हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ, हम लोग का देश कब आजाद हुआ, 1947 में, और जस्ट एक साल के बाद यानी कि 1948 में जो है मार्शल योजना की शुरू किया, मार्शल योजना शुरू किया गया था। मार्शल योजना क्या होता है, यानी कि उस समय जो भी देश का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, तो अमेरिका जो है उस योजना के तहत सभी देशों का मदद कर रहा था, है ना, तो उसी को बोलते हैं मार्शल योजना। ये कब हुआ था, 1948 में, और फिर जस्ट एक साल के बाद यानी कि 1949 में जो है नाटो की स्थापना किया गया, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन से वर्ष में नाटो की स्थापना हुई थी, 1949 में, ध्यान रखिएगा 1949 में, क्या बात है, यहीं पर आपको याद हो जानी चाहिए सारी चीज़ें, है ना। जिसको भी अगर PDF वगैरह लेना हो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारा PDF मिलेगा बिल्कुल एकदम बहुत ही कम प्राइस में, है ना, 7667532320, इस नंबर पे आप WhatsApp मैसेज जरूर करें। यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन बैंक, उसके बाद आपका जो टेस्ट लिया जाता है, वो टोटल 5 चीज आपको इसमें मिलेगा 249 यानी कि 250 रुपये में, कितने रुपये में, 250 रुपये में, है ना, 249 रुपीज में आपको पूरे सब्जेक्ट का, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है क्लास 12 में, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सभी का आपको मिलेगा। तो जिसको भी लेना है फटाफट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें और 249 रुपये में सभी को प्राप्त करें। चलिए 2003 में अमेरिका ने किसी देश पर आक्रमण किया था, बहुत बढ़िया, 2003 की बात हो रही है यहाँ पर, 1991 की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा 1991 को हम लोग प्रथम खड़ी दो बोलते हैं, क्योंकि उस समय इराक जो है कुवैत पर आक्रमण कर लिया था, तो उसके बाद यूएनओ ऑर्डर दिया कि जाओ ये इराक को जाकर के कुवैत से हटा दो, तो उसको बोलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध, और वही प्रथम खाड़ी युद्ध को हम लोग कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि उसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था,
लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। 2003 की भी बात हो रही है, बिल्कुल 23 के राइट से है, इराक पर। आप सबको पता ही होगा अमेरिका जो है मनमानी बिना मतलब का क्या बोला, बहाना क्या बनाया था कि इराक जो है वो अवैध हथियार को प्राप्त करता है, अवैध हथियार का सप्लाई करता है, इसीलिए अमेरिका जो है इराक पर हमला कर दिया, जबकि वो ऐसा कोई भी बात नहीं था। वो अमेरिका का मकसद क्या था, अमेरिका का मकसद था कि वहाँ का जो तेल है उस पर कब्जा करना, इराक पर जो तेल था इराक के पास उस पर कब्जा करना अमेरिका का ये मकसद था। लेकिन अमेरिका अपना मन मर्जी करके बिना मतलब का जाके इराक पर हमला कर दिया, जबकि यूएनओ भी उसको कोई ऑर्डर नहीं दिया था, यूएनओ से ये पूछा भी नहीं था, तो ये मनमानी किया था, है ना। तो बाद में ये सारी चीज़ें पता चली थी। तो ये जो 2003 में जो अमेरिका इराक पर हमला किया था ना, तो इसी को हम लोग द्वितीय खाड़ी युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय यानी कि सेकंड खाड़ी युद्ध जो है उसी को कहते हैं ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोगों को पूछा जाएगा कि द्वितीय खाड़ी युद्ध कब हुआ था, तो आपको 2003 में लगाना राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे, बताइएगा। तो 2020 का जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव था तो उस समय जो डेमोक्रेटिक पार्टी था उसका प्रतिनिधि कौन था, हिलरी क्लिंटन, जे आर बाइडन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 24 के राइट आपको जाएंगे जी आर बाइडन, है ना। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 24 का, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है कि यूएसए का यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, वो कौन था। बहुत बढ़िया, 25 के राइट आंसर आएंगे जॉर्ज वाशिंगटन, ये जो है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए। तो अमेरिका का वो कौन राष्ट्रपति है जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, बराक ओबामा को, बिल क्लिंटन को, जॉर्ज बुश को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट सर, आपके जाएंगे बराक ओबामा को, है ना। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति बराक ओबामा है इसी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपका ए 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 27, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो फिर से वही प्रश्न आपका आ गया, टोटल 50 राज्य हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, बताइए। निम्न में से कौन सा देश है जो कि नाटो का सदस्य है, भारत, ब्रिटेन, रूस या फिर चीन, बताइए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल चीन तो नहीं है, रूस भी नहीं है, भाई रूस तो उसी के खिलाफ था ना, तो रूस कैसे होगा, अरे रूस से ही तो उसका दुश्मनी था, तो रूस भी नहीं है, चीन से तो हमेशा दुश्मनी, ये भी नहीं है, भारत भी नेटो में शामिल नहीं है, आप सबको पता ही होगा, तो कौन है, ब्रिटेन है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन जो है वो क्या है, नाटो का सदस्य है, 2011 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है ना। तो टोटल हम लोगों ने जो है इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 3 जो था आपका, इसका हम लोगों ने टोटल 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया, ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे को मैंने बताया भी। तो प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन नहीं बना हो उसको एक से दो बार आप लोग देख लेंगे, है ना। और इसका पूरा थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया है, तो उसको भी जाकर के आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लेंगे। और जिसको भी पीडीएफ वगैरह लेना हो प्लीज इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारा पीडीएफ वगैरह जल्द से जल्द प्राप्त कर लें, कम समय में आपकी बहुत ही बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगी। पूरे 12 क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है आपको सिर्फ इतना प्राइस में दिया जाएगा, 249 रुपीज में, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो खत्म होने से पहले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।